नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फ्रिंगो HD पर। दोस्तों, टेक वंडर सीरीज का ये दूसरा एपिसोड है और आज हम आपको कमाल के रोबोट्स, अजीब और गरीब वेंडिंग मशीन्स और मजेदार व्हीकल्स दिखाने वाले हैं। आप तक ये अनदेखी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आइए बिना देर करे लेकर चलते हैं आपको इस अमेजिंग टेक्नोलॉजिकल राइड पर। आपने अक्सर वेंडिंग मशीन से टॉफी, चॉकलेट, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक तो खरीदा ही होगा। वेंडिंग मशीन्स होती ही इन छोटी चीजों के लिए हैं, पर मिलिए इस कार वेंडिंग मशीन से। कारवाना में आप किसी भी एंगल से पहले अपनी कार को वर्चुअली देख सकते हैं, फिर अपनी कार सिलेक्ट करने के बाद बस आपको एक स्पेशल कॉइन इस मशीन में डालना होता है और ऑटोमेटेड सिस्टम्स की मदद से आपकी कार एक 5-स्टोरी बिल्डिंग से कुछ ही मिनट में आपके सामने पहुंच जाती है। कारवाना के थ्रू अभी तक की फास्टेस्ट डील सिर्फ 11 मिनट में ही हुई थी। तो आपका इस इनक्रेडिबल वेंडिंग मशीन के बारे में क्या कहना है? क्या कभी आप ऐसी किसी जगह से कार खरीदना चाहेंगे? कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि जल्द ही ह्यूमंस को रिप्लेस करके रोबोट्स को यूज में ले लिया जाएगा। ऐसी ही एक रोबोट है जिसका नाम है एमी। ये रोबोट इतनी इनक्रेडिबल और माइंड ब्लोइंग है कि आपको इसको अपने घर ले जाने का मन करेगा। एक्चुअली एमी को चाइना का एक रेस्टोरेंट यूज करता है जहाँ ये रोबोट कस्टमर्स को खाना सर्व करती है। इसके अलावा एमी अपने रास्ते में ऑब्स्टेकल्स को भी डिटेक्ट कर लेती है और इसके LED स्क्रीन पर ये डिफरेंट इमोशंस शोकेस करती है, जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे आपको कोई ह्यूमन ही खाना सर्व कर रहा हो। एमी रोबोट अपने कस्टमर्स को मेन्यू भी पढ़कर सुनाती है और खाने के बाद प्लेट्स को भी किचन तक रख कर आती है। आजकल कोरोना जैसी बीमारियों से बचने के लिए जितना कम ह्यूमन कॉन्टैक्ट हो सके उतना ही अच्छा है और एमी रोबोट ये काम बखूबी निभाती है। इसी तरह का एक रेस्टोरेंट इंडिया में भी है जहां रोबोट वेटर्स मौजूद हैं। पेश है आपके सामने गोल्ड ATM, जो बिल्कुल एक नॉर्मल ATM की तरह ही काम करता है। जब भी हम गोल्ड खरीदने के लिए जाते हैं, हमें शॉप्स पर काफी टाइम लग जाता है और आजकल की सिचुएशन को देखते हुए ये गोल्ड ATM एक बहुत ही अमेजिंग चीज है। बिल्कुल एक नॉर्मल वेंडिंग मशीन की तरह इसमें भी आपको गोल्ड बार्स चूज करने का ऑप्शन मिलता है। स्क्रीन पर उस ऑप्शन को प्रेस करते ही वो गोल्ड बार नीचे मौजूद वेंट से अच्छी तरह पैक होकर आ जाता है। बस अपना ऑप्शन चूज करिए और फिर कैश या कार्ड पेमेंट करके अपना मन पसंदीदा गोल्ड बार अपने घर ले जाइए। अभी ये गोल्ड ATM इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन US, यूरोप और अबू धाबी में काफी टाइम से फंक्शनल है। मिलिए बोस्टन डायनेमिक्स कंपनी के सबसे इनक्रेडिबल रोबोट से, जिसका नाम है स्पॉट। इस रोबोट की जितनी तारीफ करी जाए उतनी ही कम होगी। ये एक बहुत ही इनक्रेडिबल रोबोट है और चाहे सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या बर्फ पड़ रही हो, ये रोबोट हर सिचुएशन में और हर मौसम में काम करता रहेगा। दिखने में एक डॉग जैसा लगता है और एक बार फुली चार्ज होने पर ये लगातार 90 मिनट तक काम कर सकता है हिली टेरेन्स या फिर खूब सारे ऑब्स्टिकल्स। इसकी हाईली एडवांस सेंसर्स सब कुछ डिटेक्ट कर लेते हैं और स्पॉट को एक अमेजिंग कंपेनियन बनाते हैं। अपना काम खत्म करने के बाद स्पॉट बिल्कुल एक डॉग की तरह अपनी डेजिग्नेटेड जगह पर आकर सो भी जाता है। गाइस, दिस अमेजिंग व्हीकल विल डेफिनेटली ब्लो योर माइंड। डी ब्लासी नाम का यह व्हीकल है ही इतना यूनिक और हेल्पफुल। अपनी अमेजिंग फोल्डिंग फीचर्स की वजह से ये इजिली आपकी कार ट्रंक में भी फिट हो जाता है। मॉल्स में शॉपिंग एक्सपीरियंस काफी टायरिंग हो जाता है, लेकिन इस 3-व्हील व्हीकल की मदद से आप किसी भी मॉल में घंटों तक शॉपिंग कर सकते हैं। जर्मन बेस्ड कंपनी द्वारा बनाई गई ये बाइक आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराती है। ये राइड वैसे तो कोई भी यूज कर सकता है, पर एजेड लोगों के लिए ये टेक वंडर काफी यूजफुल होगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इस व्हीकल की सबसे खास बात यह है कि इसको चलाने के लिए आपको किसी भी ड्राइवर लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। एक सिंगल चार्ज पर यह व्हीकल 20 किलोमीटर तक इजीली चलाया जा सकता है। अगर आपको साइकिल चलाना पसंद है तो आपको यह पॉड राइड जरूर पसंद आएगी। हालांकि इस व्हीकल को एक बहुत ही क्यूट लुक दिया गया है, लेकिन इसको बिल्कुल एक बाइक की तरह ही चलाया जाता है।
इसको चलाना साइकिल से ज्यादा कंफर्टेबल होता है। पॉड राइड की मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे की है और एक बार के चार्ज पर यह बाइक 60 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है। पॉड राइड में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपको हिली टेरेन्स पर राइड करने में बहुत हेल्प करता है और इसके सामने लगा विंडशील्ड एक स्पेशल कंपोनेंट से बना है जिसकी वजह से उसके ऊपर धुंध नहीं सेटल होती। इस क्यूट से व्हीकल में ज्यादा फीचर्स नहीं है क्योंकि इसे एक आदमी ने अपने हाथों से तैयार करा है एज अ होम प्रोजेक्ट, बट ये लगता बहुत अमेजिंग है। तो दोस्तों, ये थी आज की टेक वंडर सीरीज की दूसरी वीडियो। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है और आप आगे भी हमारे चैनल पर ऐसी ही कमाल की टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल फ्रिंगो HD को सब्सक्राइब करके साथ में मैंने बेल बटन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।